हेलो गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है और इधर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। एक दो दिनों से लगातार बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। बिजली भी बहुत तेज़ चमक रहा था, बादल भी गरज रहे थे और बर्फ़ की छोटी छोटी मतलब बर्फ़ भी पड़ रहा था। और अभी से मतलब थोड़ा सा बारिश अभी बंद हुआ है। अभी मैं बैठी हूँ काम निपटा कर, सोची आप लोग से बात करती हूँ। बहुत टाइम से ब्लॉग स्टार्ट मतलब पिछली बार पीछे का सारा शादी का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। आप सब को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? एक ब्लॉग में आप सब ने बहुत सारा आपका अपना मतलब बहुत ही अपना प्यार दिया है, ढेर सारा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा गाइस। और मेरे ब्लॉग को देख रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा वीडियो अभी आज का आप लोग को शेयर कर। तो देखिए, हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, दीदी के घर से आने के लिए। तो रास्ते में है अभी, और वहाँ से आने के बाद ना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। लेकिन आना तो था ही। परी भी का उदास लग रही है और मैं भी। दोपहर के टाइम हम लोग दोपहर के करीब 2 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले थे और शाम को 5 साढ़े 5 बजते हम लोग पहुँच गए थे। देखिए, रास्ते में ना कलश कहीं का कलश यात्रा निकला हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर ली हूँ। और शादी के मतलब बहुत दिनों रहने के बाद थोड़ा सा कहीं से भी आने में थोड़ा ये लगता है, मन थोड़ा उदास उदास लग रहा था। परी को तो बिल्कुल भी आने का मन नहीं था, वो गाड़ी में बैठकर रो रही थी। फिर अपने आप फिर ये हो गई कि नहीं मम्मी घर जाना है, पढ़ाई है, तो ये करके फिर। तो दोस्तों, फिर हम लोग करीब शाम को 5:30 या 6 बजे के लगभग घर आ चुके थे। और घर आने के बाद तो ऐसी स्थिति थी ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतना मतलब पूरे घर में, घर बंद था, कोई था नहीं घर में, इतना कचड़ा फैला हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। चारों तरफ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर से काम स्टार्ट कर, पूरा घर गंदा हो चुका था। तो देखिए, इधर तो पूरे कबूतर इतना ज़्यादा घुस घुस कर और इतना कचरा फैला दिए थे, और किचन में चूहा गंदगी फैला कर रखे थे। इधर बच्चों को कुछ भूख भी काफ़ी तेज लगी थी सबको। देखिए, इतना सारा सामान हो गया था, ला कर रख दिए हैं। और सोचे चलिए स्टार्ट करते हैं, घर की थोड़ी साफ सफाई करते हैं। तो बेड वगैरह पहले झाड़ लिए। सबसे पहले तो भगवान जी का आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि जाने इस टाइम भी मैं ली थी और आने के बाद भी लूँगी। थैंक्स बोलूँगी भगवान जी को, उनके आशीर्वाद से हम लोग कहीं भी जाते हैं आते हैं तो सब उनकी कृपा ही है। तो पहले भगवान का आशीर्वाद ले ले रहे, उसके बाद फिर। और सबको काफ़ी तेज़ वाली भूख लगी थी, लेकिन घर भी इतना गंदा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं बच्चों को कुछ टोस्ट वगैरह लाई, परी को भेजी तो गई लाने दूध लाई। तो मैं पहले सबसे पहले देखिए, किचन भी इतना गंदा है ना कि मैं क्या बताऊँ। सारा डब्बा वगैरह इधर उधर पूरा चूहा गिरा दिए, आधातर मतलब ज़्यादातर डब्बे जितने थे सबको काट दिए थे ढक्कन, और सारे डब्बे इधर उधर फैला दिए, गिरा दिए। इतना चूहा का मतलब गंदगी फैलाए थे ना कि देखिए, मैं दिखाती हूँ कितना गंदा था। तो सबसे पहले मैं सोची पहले झाड़ कर स्टार्ट ही करती, किचन में तो ज़्यादा काम रहता था। सबसे पहले मैं किचन के सारे डब्बों को हटा कर और पहले एक बार झाड़ ली। और फ्रिज को ना ये लोग बंद कर दिए थे जाने से पहले, कोई था नहीं, फ्रिज को बंद कर दिए थे। फ्रिज भी इतना गंदा स्मेल कर रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। तो मैं साफ़ कर ली और थोड़ा सा फिर फ्रिज को ऑन कर दे रही हूँ ताकि उसमें का स्मेल जो है सारा निकल जाए, तभी कुछ रख सकती हूँ। और देखिए, मैं एक बार अपना सूट चेंज कर ली कि गंदा हो जाएगा, और फिर उसके बाद साफ़ करने लगी। इतने ज़्यादा गंदे थे ना डब्बे, छूने का भी मन नहीं कर रहा था। तो सबको थोड़ा थोड़ा पहले पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुके थे, शाम क्या रात ही होने वाला था पहुँचने के बाद, तो इतना टाइम था भी नहीं। और बच्चों के खाने के लिए कुछ बनाना भी था मुझे,
तो पहले जितना हो सका ऊपर ऊपर से सफाई कर ली, और एक बार घर को, पूरे घर को मैं झाड़ू करके और धो ली, और धोने के बाद फिर सोची कुछ बनाऊंगी बच्चों के लिए, दूध वगैरह गर्म की। तो इनसे बोली थी, ये बाहर से ही होटल से पनीर और मतलब लेकर आए थे, सब्जी बनवा कर लाए थे, पनीर चटपटा। और मैं घर में आटा गूंद कर रोटियां सेकी, सब लोगों को घर का रोटी पसंद आता है तो सब लोग खाए पिए और फिर सो गए। ये नेक्स्ट डे सुबह का है, बालकनी में तो चूहा इतना, ये कबूतर इतना पॉटी कर दिए थे ना कि वो छूट भी नहीं रहा था, तो पूरे में पानी डालकर मैं छोड़ दी थी। ये देखिए हमारा मनी प्लांट है, इसके भी पत्ते सारे गंदे हो चुके थे, तो उन्हें पानी से मैं धुल दी। और फिर बाकी जो भी था सोचिए, अब उन्हें अच्छे से सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद होली भी आने वाली है, तो इसी बहाने हमारे किचन की सफाई भी हो जाएगी। तो सारे डब्बों को देखिए मैं हटा दी हूँ, और हटाकर जो भी बड़े छोटे डब्बे थे सबको मैं धोकर और छत में धूप में सूखने के लिए डाल दी हूँ। और तब तक सोची कि मैं इधर का जो रेक है सबको मतलब गंदगी जो है झाड़ू से साफ कर ली, और उस पर मैं मैट बिछा कर रखती हूँ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा चट-चट हो जाता है, किचन में गंदा हो जाता है, तो उस पर मैं पेपर बिछा देती हूँ ऊपर से। तो देखिए फेविकॉल से मैं पेपर को चिपका दे रही हूँ ताकि डब्बों को हटाने में पेपर इधर उधर ना हो, तो ऐसे मतलब पेपर अच्छे से ये हो जाता है, और डब्बे भी ठीक से उसमें रख दिए जाते हैं, रख देते हैं। और देखिए मैं दिखा रही हूँ, इधर बारिश इतना तेज़ हो रहा है, एक दो दिन से लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मैं तो शीशा मतलब स्लाइडिंग लगा कर रखी हूँ, फिर भी बालकनी में नीचे से इतना तेज़ हटा, देखिए इधर से आ रहा है, इतना तेज़ आ रहा है, पूरा घर में पानी भर चुका है। देखिए मैं शीशा खोल कर दिखा रही हूँ आप लोगों को, अचानक वाली बारिश आई तो सबको छत में कपड़े ऐसे के ऐसे ही भींग रहे हैं। इधर देखिए सिलेंडर वाले भैया का गाड़ी लगा हुआ, तेज़ बारिश आने लगा तो शायद वो रुक गए होंगे। और देखिए मतलब लगातार मूसलाधार जो बारिश बोलते हैं वही हो रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए इतना तेज़ बारिश हो रहा है, और बिजली भी चमक रहे थे, बादल भी गरज रहे थे, काफ़ी बिजली कड़क रही थी। और देखिए पूरा इधर मेरा बालकनी से पूरा अंदर रूम तक पानी घुस गया है, इतना तेज़ बारिश हो रहा था। देखिए इधर तक फिर मैं सबको हटाऊंगी अभी पानी को फिर वाइपर से, और इधर देखिए अपना ये स्लाइडिंग ये लगा दे रही हूँ शीशा, ताकि अंदर मतलब कम घुसे, थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी तो मैं ऊपर से ये बंद कर दे रही हूँ, फिर नीचे झाड़ू से मिलती हूँ मैं फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।